हेलो एवरीवन, ट्विन फ्लेम और शिवरात्रि के बीच का संबंध क्या है? शिव शक्ति है और ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें सबसे ज़्यादा मेल फीमेल एनर्जी संतुलित करनी होती है। तो शिव शक्ति एक मेल फीमेल एनर्जी का एक बैलेंस है। और दूसरा, इनका विवाह हुआ था इस दिन और ये ट्विन फ्लेम थे, तो इस हिसाब से भी हमें ये एक साधना इन इस दिन में करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, उसे फॉलो कीजिए और उसका क्या करना है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी आपको। कल के दिन क्या करना है, शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि है कल, और अगर आप ये वीडियो तब देख रहे हैं जब शिवरात्रि नहीं है तो किसी भी मंडे को कर सकते हैं। कोई एक मंत्र अपने सोच लीजिए मन में, क्या शिव जी का ओम नमः शिवाय देख सकते हैं, क्योंकि शिव ओम नमः शिवाय में माँ पार्वती को भी हम मन में सम्मानित करें कि भाई शिव जी के साथ पार्वती जी भी हैं, ठीक है, पूर्ण हैं वो, ठीक है ना। और दूसरा, ओम शिव शक्ति नमः भी कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हैं, कोई भी शिव जी का मंत्र करना है अगर आप शिव जी में आस्था रखते हैं तो। और अगर आप शिव जी में आस्था नहीं रखते हैं, किसी और में आस्था रखते हैं, कृष्णा में रखते हैं, तो कृष्ण जी का ले सकते हैं। कोई भी एक मंत्र आपको लेना है। और वैसे कल के दिन बहुत पवित्र दिन है, कल और रात को 11:30 से 12:30 के बीच अगर आप इस मंत्र को कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वो टाइम बहुत पवित्र है। और उस टाइम पर कहते हैं कि उस टाइम पर शिव जी से ऊर्जा मिलती है, ऐसा मैंने किसी वीडियो में देखा है, राकेश जी की वीडियो में देखा है, उन्होंने बताया। और ये नहीं है कि आपको रात को ही करना है, पहले जब आप अपनी पूजा कर रहे हैं उस टाइम एक माला कीजिए, दिन भर इसका जाप करते रहिए, ठीक है, मतलब कल दिन भर आपके दिमाग में वो जाप चलता रहना चाहिए। इस मंत्र से आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप जो का जो क्रिटिकल टाइम आता है कभी कभी हर्ट का, किसी चीज़ का परेशान हो जाते हैं, उस टाइम पे इस मंत्र को किस तरह से करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आपको कल एक मंत्र करना है, जो मंत्र आपको अच्छा लगे उस मंत्र की ऊर्जा के साथ अपने आप को सेटल करना है आपको। एक बार बैठ कर करें सुबह और फिर पूरे दिन इस मंत्र को करते रहना है। कुकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी करें, आपके अंदर ये मंत्र चलता रहे। और रात को अगर आप नहीं बैठ सकते 11:30 से 12:30 तो सोने से आधा पौना घंटा पहले, कम से कम आधा घंटा, या फिर अपने मन में सोच लें कि 51 बार 101 बार आपकी कैपेसिटी कितनी है, या टाइम मैं तो काउंटलेसली बोलूँगी करो, आधा घंटे का अलार्म लगाएं पौने घंटे का, या फिर सबसे अच्छा ये रहेगा अगर आप 11:30 से 12:30 नहीं कर सकते तो आधा घंटा जाप करें, ठीक है, और फिर उस जाप को करते करते ही सो जाएं, तो वो पूरी रात आपके दिमाग में मंत्र चलेगा, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि अल्फा स्टेज में आप जब निकलेंगे तो आपके वो मंत्र चल रहा होगा, तो इससे आपकी ऊर्जा बहुत मैच हो जाएगी और इसका बहुत फ़ायदा होगा।